गुरुग्राम में 2024 के लिए रिहायशी और कृषि भूमि के लिए नए सर्कल रेट निर्धारित किए जाएंगे। इस बार गुरुग्राम की सभी तहसीलों में सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सर्कल रेट तय किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के मार्मत उसे तहसील में हुई सबसे बड़ी रजिस्ट्री के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा कि उस क्षेत्र का सर्कल रेट क्या होगा। गुरुग्राम में इस बार 80% तक सर्कल रेट बढ़ सकते हैं। इसमें रिहायशी और कृषि भूमि शामिल होंगी। सर्कल रेट को लेकर के सॉफ्टवेयर से एक ड्राफ्ट रेट्स का नोटिफिकेशन निकला है, जो हमने वेबसाइट पे और बाकी जगह पे ऑब्जेक्शंस के लिए लगा दिया है। उसमें जिसको भी कोई ऑब्जेक्शंस देने हो वो 7 दिसंबर तक ऑब्जेक्शंस अपने सबमिट कर सकता है, और उसके आधार पे उनको फैसला लेकर के और वो दिसंबर एंड तक सर्कल रेट जो है लागू कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी से वो इफेक्ट में आ जाएंगे। इस बार जो सर्कल रेट बनाए गए हैं वो सॉफ्टवेयर से ही ऑटोमेटिकली बनाए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पीछे की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो किस रेट पे हुई हैं, और उसके आधार पे वहाँ का मार्केट रेट इवेल्युएट किया गया है। कहीं ना कहीं सर, जिस तरीके से न्यू गुरुग्राम की बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो स्टैंप ड्यूटी हो काफ़ी जो है डबल के करीब है जो अब चुकानी होगी लोगों को। उसमें प्रावधान ये है कि जितनी रेट पे रजिस्ट्रेशन पुरानी हुई हैं उसके आधार पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वहाँ पे मार्केट रेट असर्टेन किया है, और जो मार्केट रेट है हमारा प्रयास यही रहता है कि जो सर्कल रेट है वो जितना मार्केट रेट को रिफ्लेक्ट कर पाए उतना बेटर है। तो जो मार्केट रेट है वो हमने उसके क्लोज ही सॉफ्टवेयर ने सर्कल रेट को रखा है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि ये सर्कल रेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो वो एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दे सकता है। ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं, जिसके लिए समय 7 दिसंबर तक का रखा गया है। वहीं दिसंबर के एंड तक सर्कल रेट सुनिश्चित कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी से उन्हें लागू भी कर दिया जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया सरकार को रेवेन्यू का फायदा करने में कामयाब होगी और मार्केट में चल रहे जमीन के रेट जो हैं वो इर्द गिर्द ही रहेंगे, लेकिन इस बार सर्कल रेट बनने से जमीन के दाम आसमान छुएंगे, ये बिल्कुल साफ है। आपको क्या लगता है कि इस बार के सर्कल रेट आपके क्षेत्र के कहां तक पहुंचेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुग्राम से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।